हेलो मॉम्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉम्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माय डियर मॉम, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आप एग खाना चाहती हैं तो क्या यह आपके लिए और आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपके नन्ही से बच्चे के लिए जो कि आपके गर्भ में पल रहा है उसके लिए सेफ है या नहीं है। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी कि प्रेगनेंसी में आपको कितने अंडे खाने चाहिए, कच्चा अंडा खाना चाहिए या पका हुआ अंडा खाना चाहिए। तो सारी ही बातें मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो देखना चाहती हैं या बच्चों के बारे में कुछ जानना चाहती हैं, बेबी फूड्स, बेबी हेल्थ केयर, आप कुछ भी जानना चाहती हैं, तो उसके लिए आप मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है पेरेंट्स हेल्प, जिसका कि मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकती हैं। ठीक है, और उसको साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकती हैं ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ क्या प्रेगनेंसी में अंडा खाना सेफ है, क्योंकि अब मौसम चल रहा है गर्मियों का। क्योंकि देखिए, सर्दियों में तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, ठंडा मौसम होता है, लेकिन अब है गर्मियों का मौसम, तो क्या गर्मी के मौसम में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अंडा खा सकती हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, यही सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर जो एग की न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो सभी जानते हैं कि जो अंडा होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि अगर आप गर्भावस्था से पहले या बाद में कभी भी लें वो हर तरीके से फ़ायदा करता है, हर एज ग्रुप के बच्चे को फ़ायदा करता है, चाहे बड़े हों या छोटे। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी में लाभदायक हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, कोलीन है, कोलेस्ट्रॉल है, और भी बहुत सारे जैसे कैल्शियम है। ठीक, इतने सारे पोषक तत्व, सोलेनियम है, जिंक है, ये सारे पोषक तत्व अंडे में पाए जाते हैं जो कि उन हर एक पोषक तत्व का हर उस बच्चे के विकास में काम करता है, जैसे मस्तिष्क के लिए, बोन्स के लिए, सेल्स के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, तो ये सारे बच्चों के अलग अलग पार्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में आपको कच्चा अंडा खाना सेफ है या नहीं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं, आप कच्चा अंडा किसी भी हालत में ना लें, क्योंकि कच्चे अंडे में बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम कर सकते हैं। एग में सोलमोनेला नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि अगर आप उसे अंडे को कच्चे रूप में खाते हो तो वो बैक्टीरिया आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा, दस्त, उल्टी, फूड पॉइजनिंग और भी बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत कर देगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपके अंदर कर देगा, लूज मोशन आपको कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको अंडा कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, पका हुआ अंडा खाना है, अध पका भी अंडा अगर आपने खा लिया तो आपके प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी में कब से एग खा सकती हैं। देखिए, आप अपनी प्रेगनेंसी में अगर एग खाना चाहती हैं तो आप अपने जो सेकेंड ट्रिमेस्टर है, मीन्स आप अपना फोर्थ मंथ से स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले होते हैं। किसी किसी जो प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा वॉमिट होती हैं, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं और कुछ किसी भी चीज़ को वो पचा नहीं पाती हैं, ऐसे में आपको शायद एग की स्मेल आपको वॉमिट करने पर मजबूर कर दे, क्योंकि उसकी स्मेल थोड़ी सी स्टिकी बहुत शार्प होती है, तो हो सकता है आपको उसको खाने से या उसको उसकी स्मेल से आपको वॉमिट आ जाए। तो आप खा सकती हैं, तो आप बिल्कुल फोर्थ मंथ से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 मंथ में मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। आप सभी जानते हैं अंडा बहुत गर्म होता है। तो बात आती है गर्मियों की, तो गर्मियों में बहुत ध्यान से आपको खाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो रही है, वॉमिट है, उल्टी है, इन सब चक्कर में आप पड़े हुए, मूड स्विंग है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप गर्मियों के मौसम में सिर्फ फोर्थ मंथ से ही शुरू कर दें, पहला ट्रिमेस्टर आप स्किप कर दें। सर्दियों में आप किसी भी टाइम से खा सकती हैं, अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे, आपको शुरुआती दिनों में उल्टी नहीं हो रही, दस्त नहीं हो रही और आप उसको खाने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपको वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप उसको पहली तिमाही में खा सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर ध्यान रहे, अगर आपको पहली तिमाही में, मीन्स पहले स्टार्टिंग के 3 महीनों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो बिल्कुल आप उसको ना खाएँ,
है बाद में खा सकती हैं, चौथा या पाँचवा महीना आपका स्टार्ट हो जाए तब आप उसको खा सकती हैं। ठीक है, सर्दियों में कभी भी खा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मियों में बस ध्यान रखिए कि आपको आपकी 3 महीने निकल जाने देने हैं, उसके बाद आप शुरू कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस वजह से। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे क्या न्यूट्रिशंस वैल्यू पाई जाती हैं जो कि हमारे बच्चे के विकास के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखिए, इसमें जो एक कोलीन नाम का पोषक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, साथ ही साथ जो बच्चों का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी बचाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होती है? बच्चे के मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने में जो काम करती है उसको हम न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एग खा रहे हो तो उसमें जो कोलिन नाम का पोषक तत्व है वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे कि बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा रहेगा, उसमें ये दोष नहीं पाया जाएगा। साथ ही साथ बच्चे का मस्तिष्क का भी विकास काफ़ी अच्छे से होगा, बच्चा बहुत स्मार्ट और ब्रिलियंट होगा आपका अगर आप एग ले रही हो। दूसरा, इसमें प्रोटीन होती है, आपको प्रेगनेंसी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अगर आप एग खा रही हैं तो आपके बच्चे में प्रोटीन की कोई कमी नहीं होगी। प्रोटीन बच्चे की सेल्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो आप अगर एग खा रही हैं तो बच्चे और आप में प्रोटीन के की कोई कमी नहीं होगी, बच्चे के जब शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग के अंदर कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जब आपका जो तीसरा या चौथा महीना आपका चल रहा होता है उस समय बहुत रैपिडली बच्चे का विकास, आपके भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की हड्डियां जो बन रही होती हैं उसके लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे हमें और भी जो हम वेज फ्रूट्स लेते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, ऐसे में अगर एक एग भी, एक या दो एग आप ले रही हैं तो आपके बच्चे के बच्चे की जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए। साथ ही साथ आपकी भी जो हड्डियाँ हैं वो भी मजबूत बनी रहेंगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं प्रेगनेंसी के समय, हमारे अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे में आपको भी एक या दो अंडा खाना आपको मजबूत बनाएगा, साथ ही साथ आपके बच्चे की हड्डियों को भी ये विकसित अच्छे से करेगा। ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए, तो इसमें ओमेगा 3 की भी बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में विटामिन ए की भी ज़रूरत होती है, तो जो कि हमें फ्रूट से मिलते, जैसे एप्पल से मिल जाती है और बहुत सारी फ्रूट्स हैं जिनसे कि हमें विटामिन ए मिलती है, तो अगर आप एग खा रहे हैं तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। इसमें आपको बच्चे के जैसे विटामिन ए आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों की आइज़ के लिए, तो बच्चों की आइज़ के लिए भी इसमें जो आप खाओगे एग को तो विटामिन ए आपको मिलेगा, जो कि बच्चों की आँखों के लिए, उनकी रोशनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आयोडीन की माँ को ज़रूरत होती है, थायराइड की दिक्कत हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आयोडीन की कमी, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर आयोडीन की कमी ना हो स्टार्टिंग से ही, तो आप प्रॉपर एग ले रही हैं तो आपके बच्चे में आयोडीन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आप बिल्कुल प्रेगनेंसी में एग लीजिए ताकि बच्चे को ये सारे न्यूट्रिशंस मिलते रहें, आयोडीन, विटामिन ए, कोलिन। साथ ही साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जो कि फैट को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, तो आप ये बिल्कुल खा सकती हैं। साथ ही साथ अंडे में आपका फोलेट भी पाया जाता है जो कि कोशिकाओं के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें ल्यूटीन और जीएक्सिथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बच्चों की आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनकी आइज़ की रोशनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी भी प्रकार के हानिकारक इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनसे उनको बचाने में मदद करते हैं। तो ये बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं एक अंडा या दो अंडे खाने के फ़ायदे प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो कि गर्मियों में अंडा खाएं या नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो गर्मियों में खाएं या नहीं, तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में खाएं। अगर आपको ये पच रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई एलर्जी फील हो रही है या आपको वॉमिट जैसा फील होता है इसको खाने के बाद, तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर दें, क्योंकि ज़्यादा वॉमिट करना या लूज मोशन होना आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इस चीज़ को बेहद ध्यान रखें।
एग खरीदते समय ये सावधानी जरूर रखें अगर आप वो एग खाने वाली हैं कि एग ऑर्गेनिक होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें ध्यान रख लीजिए कि एग ऑर्गेनिक होने चाहिए। दूसरा, अगर आप पैक्ड पैकेट वाले या पैक्ड एग खरीद रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। घर पर जब आप एग लेकर आ रहे हैं तो घर पर भी आप चेक कर सकते हो, पानी में अगर उसे आप डाल दोगे तो वो सिंक हो जाता है, मीन्स डूब जाता है, तो वो अच्छा है। फ्रेश एग अगर वो ऊपर उछल जाता है तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं कि किस तरीके से आप अच्छे अंडे की पहचान कर सकती हैं। दूसरा कि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में आप एक या दो अंडे से ज़्यादा ना खाएं, कोशिश करें रेगुलर ना खाएं। एक दिन छोड़कर एक दिन खा सकती हैं, हफ्ते में दो या तीन दिन खा सकती हैं, रेगुलरिटी को ना बनाएं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं अंडे खाने के फ़ायदे प्रेगनेंसी में। तो माय डियर मॉम, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।